डियर फ्रेंड्स आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पास्ट एडजस्टमेंट अंडर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स पार्टनरशिप अकाउंटिंग करेंगे ये क्लास ट्वेल्थ के लिए एक टॉपिक है जिसमें टेक्निकलिटी इन्वॉल्व है लेट्स एक्सप्लेन दिस टॉपिक इस टॉपिक की थीम क्या है मैं आपको समझाता हूं इस टॉपिक की थीम ये है प्रॉफिट हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ रॉन्ग परपोर्शन इन वन ईयर एंड एंट्री इज़ टू बी पास्ड इन नेक्स्ट ईयर टू रेक्टिफाई द एर मैंने यहाँ पे एम्फेसाइज करा है किस चीज़ पे मेरे दोस्त रॉन्ग परपोर्शन हमने प्रॉफिट तो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करा है, बट जिस प्रपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था हमने उस प्रपोशन में नहीं करा हमने रॉन्ग परपोर्शन में कराए एंड नाउ वी हैव टू पास द रेक्टिफाई एंट्री इन अ नेक्स्ट ईयर टू करैक्ट द एर डन इन अ लास्ट ईयर अब इसमें द वैरायटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन अ रॉन्ग प्रोपोर्शन कैसे बन सकते हैं प्रॉफिट हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ रॉन्ग प्रोपोर्शन जो मेरी करेक्ट पीआर आर करेक्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी पीएसआर थी वो टू इज टू टू इज टू वन थी एंड वी रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट इक्वली दिस इज प्रॉफिट हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ रॉन्ग रेशियो

ए बी सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ टू इज टू टू वन इन पास जर्नल एंट्री इन फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी थ्री करेक्ट पी एस आर क्या थी टू टू वन और हम डिस्ट्रीब्यूट किसमें करेंगे

हमने पार्टनर्स को वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड का प्रॉफिट इक्वली दे दिया है अब हम उनसे ये वापस लेंगे जब हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट है था तो वी हैव इंक्रीज देयर कैपिटल नॉ उस गलती को सुधारने के लिए वो प्रॉफिट मैं उनसे इक्वली जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था मैं उनसे वापस ले लूंगा तो मैंने कुल प्रॉफिट कितना ले लिया वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड अब मैं क्या करूंगा मुझे जो प्रॉफिट है ये करेक्ट रेशो में उनको देना है उस ईयर में तो उनको मैं ये करेक्ट रेशियो में टू टू वन में दे रहा हूं अगर वन लेख ट्वेंटी थाउजेंड को टू टू वन में डिवाइड करेंगे इट विल कम्स टू फोर्टी एट फोर्टी एट ट्वेंटी फोर नो वॉट द नेट अफेक्ट नेट इफेक्ट इसमें क्या हो रहा है हमारा कि हम पार्टनर से ले कितना रहे हैं फोर्टी थाउजेंड रुपीज और दे कितना रहे हैं 48,000 इसका मतलब हमें ए को यहाँ पे 8,000 और देना है सिमिलरली बी को 8,000 और देना है और सी से 16,000 लेना है इसको समझने का दूसरा तरीका अगर अपन देखें कि मैंने पार्टनर्स को कितना प्रॉफिट दे दिया है 40,000 देना कितना था 48 तो एट और दूंगा ये समझने में अभी इजी लग रहा है बट अगर हम इस टेबल से इसको नहीं करेंगे तो आगे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में इट वुड डिफिकल्ट हैंस द राइट वे टू डू इज कि जो हमने उनको गलती करी है वो हम वापस लेंगे और जो करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन होना था वो दे देंगे और उसके बाद हमें समझ में आएगा व्हाट इज द करेक्ट मींस मीन्स व्हाट इज द करेक्ट अमाउंट वॉट इज द करेक्ट अमाउंट टू बी गिवन टू द रिस्पेक्टिव पार्टनर्स अब इस केस में मुझे एट थाउजेंड और एट थाउजेंड बी को देने हैं तो यहां पर मैंने बी ए और बी को क्रेडिट कर दिया और सी को डेबिट कर दिया मीन ये रेक्टिफिकेशन एंट्री मैं पास करूंगा ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर में यहां पर मुझे एक चीज और ध्यान रखनी है ये टोटल वाला कॉलम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें मुझे क्या इंश्योर करना है कि जो लास्ट में बैलेंस आना चाहिए इट शुड बी जीरो हमने यहाँ पार्टनर से कितना प्रॉफिट वापस लिया है एक लाख बीस हजार रुपए और उनको दे कितना रे एक लाख बीस इन नेट देर इज अ जीरो ऑन द टोटल साइड जब तक ये टोटल जी, जीरो नहीं होगा ये आपकी एंट्री प्रॉपर ड्राफ्टिंग नहीं हो पाएगी क्योंकि यहाँ पे जो कितना टोटल पार्टनर्स को हमने क्रेडिट करा है उतना ही डेबिट आना चाहिए तो इस टॉपिक में आपको ये इंश्योर करना है मैं आगे आपको बताऊंगा कि टोटल जो आ रहा है दिस शुड बी जीरो ला नेक्स्ट लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट तो नेक्स क्वेश्चन नाउ देयर कम्स द रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन अ रॉन्ग प्रोपोर्शन विद रेफरेंस टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसमें वेरियस केसेस मैं समझाता हूं और बीच में कॉन्सेप्ट ए पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशन इन फाइव लैक वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इग्नोरिंग आईओ सी फोर्टी एंड टेन थाउजेंड पास जर्नल एंट्री इन एफ वाई ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर टू रेक्टिफाई दिन वाई ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री अब इसको प्रोसीड करते हैं अगेन मैं वो एडजस्टमेंट टेबल बनाऊंगा ये एडजस्टमेंट टेबल मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बना रहा हूँ फ्रॉम द कैपिटल अकाउंट परस्पेक्टिव और सेम अगर रेक्टिफिकेशन हम जिस ईयर में गलती करी है उसी ईयर में हम रेक्टिफिकेशन करते तो हम कैसे करते मैंने पांच लाख रुपए का प्रॉफिट यहाँ पे गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया क्योंकि मुझे उसमें से पहले फाइव लाख के प्रॉफिट में से पहले मुझे आईओसी देना था और उसके बाद मुझे डिविजिबल प्रॉफिट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना था तो मैंने पाँच लाख का प्रॉफिट यहाँ पे गलत दे दिया है तो कितना दे दिया है रेशियो कितनी थी टू टू वन क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है कि हमने रॉन्ग रेशो में दिया है हेंस वी आर कि पाँच लाख का प्रॉफिट हमने टू टू वन में दिया है तो हमने ये जब प्रॉफिट दिया इससे मैंने पार्टनर की कैपिटल बढ़ा दी थी अब मैं वो पार्टनर की कैपिटल रिड्यूस कर रहा हूँ तो हमने फाइव लैक्स को टू टू वन में डिवाइड कर दिया टू लैख टू लैख वन लैख ये हमने उनकी उनसे ये प्रॉफिट वापस ले लिया इसका मतलब अब हम उनकी कैपिटल कम कर रहे हैं ये जो मैं बोल रहा हूँ वापिस ले लिया ये हम सिर्फ एक वर्किंग में कर रहे हैं यहाँ पे इस पूरी वर्किंग में कर रहे हैं हम कोई रेक्टिफिकेशन नहीं कर रहे रेक्टिफिकेशन हम नेट एंट्री की पास करेंगे नेट अमाउंट की करेंगे तो हमने यहाँ पे पाँच लाख रुपए पार्टनर से वापस ले लिए इस टेबल में अब मैं इनको यही देखिए मैंने पांच लाख रुपए यहाँ पे माइनस कर दिए अब आपको आगे बताता हूँ अब यही पांच लाख रुपए मुझे वापस पार्टनर को देने हैं इन अ करेक्ट वे पहले मैंने उनको पांच लाख में से क्या दे दिया आईओसी दे दिया आईओसी कितना गिवन था फिफ्टी फोर्टी टेन तो हमने कितना आईओसी दे दिया एक लाख अब प्रॉफिट कितना बचा हमारे पास फोर लाख तो वो मुझे किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है टू टू वन में तो चार लाख ,00 को मैंने टू टू वन में जब डिवाइड करा तो वन सिक्सटी और 80,000 थाउजेंड आ गया अब आप दोबारा देखिए यहाँ पे मैंने कितना प्रॉफिट उनसे वापिस लिया पाँच लाख दे कितना रहा हूँ पाँच लाख और टोटल कितना आ रहा है जीरो तो मुझे फास्ट एडजस्टमेंट में ये जीरो एज्यूम करना है अब मैंने ए से कितना वापस लिया दो लाख दिया कितना है दो लाख दस इसका मतलब मुझे नेट में ए को दस हजार और देना है बी में दो लाख लिया और दो लाख ही दे दिया तो बी में कोई इस गलती से अफेक्ट नहीं हुआ सी को एक लाख रुपए लिया और नब्बे देना है इसका मतलब सी से हमने दस हजार वापिस लेना है तो हम यहाँ पे दोबारा से बोल रहा कर क्या रहे है? जो हमने प्रॉफिट रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट करा है दैट वी टेक बैक फ्रॉम दी पार्टनर्स एंड देन वी गिव द प्रॉफिट एज पर द्रेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रोसेस में हमें यह समझ में आया किस पार्टनर को कितना प्रॉफिट देना है और कितना लेना है तो इस प्रोसेस में समझ में आया ए को दस हजार रुपए देने हैं यहाँ पे और बी से सी से दस हजार रुपए लेने हैं दिस इज माई रेक्टिफिकेशन एंट्री सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट अब यहां पर ये जो कॉन्सेप्ट है एक वो समझाना चाह रहा हूं क्या कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट मेरा किस लिए इम्पोर्टेंट है मैंने आपको एक चीज ऊपर लिखी थी कि आईओसी देना भूल गए है और मेरे को प्रॉफिट का डाटा गिवन नहीं है इस चीज को समझाने के लिए मुझे कॉन्सेप्ट समझाना है यहां पे ये वाला जो हमने क्वेश्चन करा वन नंबर क्वेश्चन इसमें तो मुझे क्लैरिटी थी पांच लाख का प्रॉफिट कर दिया वापिस ले लिया पांच लाख का ही प्रॉफिट हमने उनको दे दिया ना करेक्ट मैटर अब व्हाट वुड बी केस अगर मुझे प्रॉफिट का डाटा गिवन नहीं है उसके लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं अब आपको यह चीज समझिए मेरा प्रॉफिट कितना था फाइव लैख ऊपर वाला एग्जाम्पल से समझा रहा हूं इसके मैंने दो पार्ट कर दिए वन लैख जो आईओसी वाला पार्ट है और यहां पे डिविजिबल प्रॉफिट जो आएगा वो चार लाख रुपए आएगा अब यहाँ पे ये जो प्रॉफिट आ रहा है पांच लाख का मैंने प्रॉफिट कमाया था जिसके दो पार्ट थे एक लाख रुपए विच इज कॉरस्पोंडिंग टू द टोटल ऑफ द आईओसी और रिमेनिंग कितना था मेरा डिविजिबल प्रॉफिट जो मेरा डिविजिबल पार्ट था ये वाला अब हमने गलती क्या करी देखिए हमने पांच लाख का जो प्रॉफिट था टोटल वो हमने क्या करा है आईओसी देना भूल गए हैं इसका मतलब एक लाख वाला पोर्शन भी हमने टू टू वन में बांट दिया है और चार लाख वाला पोर्शन भी टू टू वन में बांट दिया है क्योंकि जब हम इंटरेस्ट देना भूल गए हैं तो अगर हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन ड्रॉ करें तो यहाँ पे मेरे पास बाय प्रॉफिट एंड लॉस कितना आया पांच लाख हम इंटरेस्ट देना भूल गए हैं इसका मतलब टोटल पांच लाख हमने टू टू वन में बांट दिया है दो लाख दो लाख एक लाख और इस पांच लाख के दो कंपोनेंट हैं एक लाख और चार लाख एक लाख इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू द आईओसी ओ पर एंड द फोर लाख इज फोर लाख इज द डिविजिबल प्रॉफिट इसका मतलब जब मैंने आईओसी नहीं दिया तो एक लाख को मैं टू टू वन में बांट गया और चार लाख को भी टू टू, टू वन में बांट गया अगर मेरा ये करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन होता तो क्या होता उस केस में जो एक लाख का प्रॉफिट है आउट ऑफ फाइव लैक्स वो मैं फिफ्टी थाउजेंड फोर्टी थाउजेंड और टेन थाउजेंड की प्रोपोर्शन में देता और जो चार लाख का प्रॉफिट है वो वन सिक्सटी वन सिक्सटी एटी की प्रोपोर्शन में देता इसका मतलब क्या निकल के आया <coughs> जब मैंने आईओसी नहीं दिया आई ओमिट टू गिव आईओसी इट मीन्स द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट Equivalent to the IOC part has been distributed in a wrong proportion. Means सिर्फ ये वाला जो part है एक लाख रुपए का ये wrong proportion में distribute हुआ है. Rest of the divisible profit has not been uh, distributed in a wrong proportion. दुबारा बोल लाऊं जब हमने I O C नहीं दिया तो सिर्फ एक लाख वाला profit जितना I O C का total amount है वो ही गलत रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और मैं बोलूं वही प्रॉफिट को हमने रॉन्ग प्रपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट करा है रॉन्ग प्रोपोर्शन में मतलब जब हमने आईओसी नहीं दिया तो एक लाख का जो प्रॉफिट आ रहा है उसमें से एक को कितना दे दिया चालीस और आईओसी में कितना मिलना चाहिए था पचास तो रेक्टिफिकेशन में ए को दस और दूंगा सिमिलरली बी को हमने कितना दे दिया है फोर्टी वो उससे रिकवर करूंगा और देना कितना था फोर्टी मिस इस रॉन्ग इस इस एरर में बी पे कोई इफेक्ट नहीं आया सी में हमने ट्वेंटी दे दिया है वापिस लूंगा और टेन देना था मिस सी को हमने टेन एक्स्ट्रा दे दिया है वापिस लूंगा तो आप देखेंगे मेरी इस केस में भी एंट्री क्या बन रही है सी टू ए जो ऊपर वाले केस में बन रही थी इट मीन्स मैं यहाँ पे बार बार ये कहना चाह रहा हूँ कि आईओसी नहीं देने की वजह से जितना मेरा आईओसी का अमाउंट है वो ही मेरा प्रॉफिट सिर्फ रॉन्ग प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है एंड द रेस्ट ऑफ द प्रॉफिट हैज नॉट बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ प्रोपोर्शन। तो इसका मतलब अगर हमको जैसे मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं उससे आपको समझ में आएगा ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग लॉसेज इन द रेशियो ऑफ टू टू वन इन फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री

हम आईओसी दे देंगे आईओसी देने से क्या होगा इनकी कैपिटल बढ़ जाएगी ये क्लियर होगी बात तो यहां पे मैंने इनकी कैपिटल नेट में एक लाख से बढ़ा दी अब मैं आपको यहां पे एक चीज समझाता हूं एक रूल समझते हैं हम लोग ताकि वो रूल हम इस क्वेश्चन में हर जगह अप्लाई कर सके इस क्वेश्चन में नहीं इस पास एडजस्टमेंट में टॉपिक में यहाँ पे गलती क्या हुई है गलती ये हुई है कि हमने आईओसी नहीं दिया हम आईओसी दे रहे वेरी गुड अब इससे हमारे टोटल साइड में वन लाख का पॉजिटिव अमाउंट आ रहा है और मैंने आपको बताया था तो ऊपर कि इस कॉन्सेप्ट में पास एडजस्टमेंट में मुझे नेट टोटल जीरो करना है अब आपको यहाँ पे ज्यादा लॉजिक नहीं लगाने आप क्या कीजिएगा इस साइड को जीरो करने के लिए आपने प्लस जो करा है वो आपको क्लियर है आईओसी नहीं दिया था आईओसी दे दिया तो जो प्लस करना था आपने कर दिया अब आप माइनस अमाउंट कर दीजिए टू मेक द टोटल जीरो प्लस एक लाख करा है आप माइनस एक लाख कर देंगे किस रेशो में करेंगे आप माइनस एक लाख टू, टू टू वन में कर देंगे जो पी एस आर है इट मीनस मैं क्या यहाँ पे कहना चाह रहा हूं आपसे कि जब आपको जो गलती थी वो आपने ठीक कर ली होगा कि टोटल हो जीरो प्लस कराए तो बैलेंस जीरो करने के लिए माइनस करना है माइनस करेंगे पर जो भी बैलेंसिंग अमाउंट आएगा वेदर पॉजिटिव नेगेटिव आप उसको पी एस आर में डिस्ट्रीब्यूट कर देना तो हमने यहाँ पे उसको पी एस आर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है आप देखेंगे सेम इफेक्ट आ रहा है जो अफेक्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में आया था यहाँ पे देखिए ये वाला से इसका मतलब चाहे मुझे प्रॉफिट गिवन हो या ना गिवन हो हमने ऊपर कॉन्सेप्ट करा था कि आईओसी हम देना भूल गए हैं इसका मतलब आईओसी का टोटल अमाउंट कितना आ रहा है वन लाख रुपीज इतना ही प्रॉफिट रॉन्ग प्रपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो जब आईओसी देना भूल गए हमने आईओसी दे दिया उसके बाद मुझे टोटल की साइड जीरो करनी है तो आई से कैपिटल बढ़ा रहा हूं तो मुझे माइनस वन लेख करना है और जो भी बैलेंसिंग अमाउंट आएगा आप इसको पी में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा उसके बाद जो नेट अमाउंट आएगा उसके बेसिस पे एंट्री हो जाएगी जो अमाउंट पॉजिटिव आ रहा है उस पार्टनर को क्रेडिट करेंगे और जो अमाउंट नेगेटिव आ रहा है उस पार्टनर को हम डेबिट करेंगे क्लियर हो गई आपको कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ए बी सी आर पार्टनर्स इन शेयरिंग पी एस आर इन टू टू वन एफ वाई ट्वेंटी थ्री आईओ सीवाइडेड पर एन एम इंस्टेड पर एन एम दिक्सल यहाँ पे मुझे इंटरेस्ट कितना देना था ट्वेल्व परसेंट पर एन एम इंटरेस्ट देना था और मैं कितना दे गया ये मुझे देना था और मैं गलत कितना दे गया दस इन अ सिंपल वे हम ये कह सकते हैं कि हमने दो परसेंट पर एन का आयो नहीं दिया भाई मुझे देना कितना था बारह और हमने दिए कितना दिया दस तो दो परसेंट का आईओ हमने नहीं दिया तो वही लॉजिक पे हमने ऊपर एज्यूम करा था आईओ नहीं दिया यहाँ पे हमें दो परसेंट का आईओसी निकालना है सेम लॉजिक पे प्रोसीड करूंगा हमने दो परसेंट का आईओसी नहीं दिया तो हमने दो परसेंट का अमाउंट निकाला पांच लाख पे दो परसेंट चार लाख पे दो परसेंट सॉरी और तीन लाख पे दो परसेंट हमारा क्या आ गया ये हमारा आईओ अमाउंट आ गया ये हमने नहीं दिया था ये हमने इनको आईओ दे दिया दस हजार आठ हजार छ हजार हमने कुल आईओ कितना दे दिया ट्वेंटी फोर थाउजेंड अब सेम लॉजिक मुझे टोटल ज़ीरो करना है तो मैंने चौबीस हज़ार प्लस करा है तो मुझे माइनस चौबीस हज़ार रुपये करना है रेशो क्या है टू टू वन मैंने चौबीस हज़ार को टू टू वन में डिवाइड कर दिया नाइन्टी सिक्स हंड्रेड नाइन्टी सिक्स हंड्रेड फोर्टी एट हंड्रेड नेट अमाउंट क्या आ गया ए को चार पॉजिटिव आ रहा है ए का सी का पॉजिटिव आ रहा है मतलब ए और सी को चार सौ और बारह सौ रुपये देने हैं और बी से रिकवर करने हैं हैंस माई एंट्री इज बीस अकाउंट डेबिट टू ए टू सी क्लियर हो गया होगा आपको कौन सा क्वेश्चन भी आओ, आपको एक नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ ए और बी को इंटरेस्ट मिलना था टेन परसेंट सी को नहीं मिलना था पार्टनर्स की कैपिटल है पांच लाख चार लाख तीन लाख आईओ सी वॉज रॉन्गली गिवन टू सी ओनली इन एफ वाई ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री इंस्टेड ऑफ ए एंड बी देना था ए और किस को मुझे और मैं गलती से किसको दे गया सी को दे गया अब नाउ लेट्स हम सेम लॉजिक लगाएंगे जो हमने कह रहे हैं अब मुझे आईओसी सी ए और बी को देना था नहीं दिया तो मैं आईओसी सी ए और बी को टेन टेन परसेंट दे रहा हूँ पांच लाख का टेन परसेंट फिफ्टी थाउजेंड चार लाख का टेन परसेंट फोर्टी थाउजेंड ये मैंने इनको आईओसी दे दिया अब हमने क्या करा है हम लोगों ने सी को IOC गलती से दे दिया है उसकी कैपिटल मैंने इंक्रीज कर दी है तो मैं सी से वो IOC वापस वापिस लूंगा मैंने सी से वो IOC वापस वापिस ले लिया अब आप देखिए यहाँ पे इन दोनों 90 और 30 का नेट इफेक्ट क्या हो रहा है प्लस रहा थाउजेंड और मुझे यहाँ पे टोटल कितना करना है टोटल मुझे जीरो करना है इसका मतलब मुझे माइनस सिक्सटी थाउजेंड तो करना पड़ेगा और माइनस किस रेशियो में करूंगा ये मैं करूंगा डिवाइड करा ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर ट्वेल्व आ गया अब ए को प्लस कितना कर रहे हैं फिफ्टी माइनस कितना कर रहे हैं ट्वेंटी फोर इसका मतलब नेट में ए को कितना देना है ट्वेंटी सिक्स सिमिलरली बी को कितना देना है सिक्सटीन और सी से रिकवर कितना करना है हमको दोस्त फोर्टी टू थाउजेंड माइ रेक्टिफिकेशन एंट्री विल बी सी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट डेबिट तो आपको ये समझ में आया इस पास एडजस्टमेंट में मैं आपको बार बार बोलूंगा सिर्फ ये टोटल वाला इंश्योर करना है ये जीरो करना है जो हमने दिख रही है जो गलतियां करी है यहाँ पे ए और बी को आई नहीं दिया था ए और बी को आई दूंगा सी को गलती से दे दिया था उससे रिकवर करूंगा उसके बाद जो भी बैलेंसिंग अमाउंट आएगा बैलेंसिंग अमाउंट किस तरह से आना है टोटल जीरो करना है यहाँ पे हम ये प्लस सिक्सटी कर रहे हैं तो बैलेंसिंग अमाउंट माइनस सिक्सटी आएगा उसे पी एस आर में कर देना है और बैलेंसिंग आपका आंसर देगा नेट में जो भी आंसर आएगा तो आई होप आपको ये पास एडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट प्रॉफिट uh, के लिए और आईओ सी के लिए क्लियर हुआ होगा इन माई नेक्स्ट वीडियो I will come with the interest on drawing and other elements of the profit and loss appropriation. Thank you.